हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है। और आज के अगर अपडेट की बात करें दोस्तों, जो आज की अपडेट क्लास 10th को लेकर है, क्लास 10th का जो रिजल्ट दोस्तों 15 से 16 जुलाई तक आने वाला था। अब उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, आप कह सकते हैं थोड़ा डिले हो सकता है। डिले क्यों हो सकता है? क्योंकि दोस्तों संयम भारद्वाज जी का कहना है, उनसे रिजल्ट को लेकर पूछा गया था, तो उनका कहना था कि अभी बहुत से स्कूलों ने जो विद्यार्थियों की जो डेटा है उन्हें दिया नहीं है, या बहुत से स्कूलों से डेटा विद्यार्थियों खो गया है, मिसप्लेस हो गया है, उन्हें कलेक्ट करने में भी थोड़ा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो क्लास 10th का जो रिजल्ट है, जो 15 जुलाई से 16 जुलाई तक के आने वाला था, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। आप कह सकते हैं कि 20 जुलाई या 25 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है क्लास 10th का। तो ये रही दोस्तों क्लास 10th से संबंधित जो आज की अपडेट है। इसके अलावा अगर बात करें क्लास 12th की, तो दोस्तों क्लास 12th का जो रिजल्ट है सीबीएसई द्वारा कहा गया कि 31 जुलाई को ही घोषित किया जाएगा। तो क्लास 12th के रिजल्ट में कोई भी आगे पीछे नहीं दोस्तों, वो 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा, ये सीबीएसई का कहना है। यानी क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो सही समय पर घोषित हो जाएगा, उसमें कोई फेरबदल अभी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि दोस्तों क्लास 12th के रिजल्ट के वेट बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कर रही हैं, उसी के आधार पर वे अपने कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रही दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा सीबीएसई के नए पैटर्न के आधार पर जो क्लासेस शुरू की जा रही हैं, तो आप हमारी क्लास द पॉलिटिकल मास्टर यानी हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सपोर्ट करें, हमारा चैनल नया दोस्तों। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।